फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी सारखे मोबाइल सॉल्यूशन में। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया है जो कि रियलमी C35 का हैंडसेट है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें जो टच है, टच काम नहीं कर रहा है। जो कस्टमर का कहना है कि उन्होंने एक दुकानदार भाई का ये हैंडसेट है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें उन्होंने दो तीन फोल्डर चेंज करके देखा है, लेकिन इसमें टच वर्किंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इस मैंने फ़ोन को पहले ही ओपन कर लिया था, और इसमें जो है ना, उन्होंने काफ़ी जगह पे शायद उन्होंने काम किया है। तो मैं जैसे मैंने खोला तो देखा कि इसमें पावर आईसी का जो जाली है वो निकला हुआ है, बाद में सीपीयू के साइड में भी जो जाली है वो भी निकला हुआ है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करके फिर बनाए ना कि पूरा कोशिश करेंगे, देखेंगे इसमें कहाँ से फॉल्ट है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको फ़ोन को ऑन करके दिखा देता हूँ, और टच हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो टच वगैरह यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है फ़ोन नीचे रखने के बाद हमारा टच काम नहीं कर रहा, तो देख सकते हो मैंने स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो। तो मैंने इसको हाथ में भी लिया है, लेकिन इसमें टच बिल्कुल भी काम इसमें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैं आपको मदरबोर्ड की जो कंडीशन है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक बात कह देता हूँ, वीडियो अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, इसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना, फिर भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसा है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना उसको अगर हम ट्रेस करके बनाते हैं तो हम डायरेक्ट जहाँ पे फॉल्ट है हम वहीं पे हम काम कर सकते हैं। अगर तुक्के से हम काम करेंगे तो हमें काफ़ी जगह पे छेड़ना पड़ता है। देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे पावर सेक्शन में जो हमारा जाली है वो निकला हुआ है, बाद में सीपीयू के जो सेक्शन में जो जाली है वो भी हमारा निकला हुआ है। तो चलो इसमें कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं एक बार आपको जो हमारा टच काम नहीं कर रहा तो कंप्यूटर की स्क्रीन में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे टच के लिए जो लाइनें हैं, हमें यहाँ पे 6-7 लाइन हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एक 1.8 वोल्ट आता है वो एक लाइन है, जो कि हमारा पावर आईसी से आता है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा बाकी का जो लाइन है जो वहाँ पे हमारा डायरेक्टली यहाँ पे सीपीयू से आकर, एक दो लाइनें है जो सीपीयू से कुछ रजिस्टर होते हुए हमारा एलसीडी कनेक्टर के ऊपर आता है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ, इससे आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा कि आपको अगर टच सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कहाँ पर काम करें और कौन से लाइन हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो भी हमारा लाइन है उसमें हम GR लेंगे। ठीक है, अगर हमें GR ओके मिलता है तो फिर हम वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है, तो उसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख देना है। तो आप इजीली, अगर आपके पास बोर नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है या वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आपके पास बोर्नियो है। अगर बोर्नियो नहीं है तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो से भी मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जब जाली निकलते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे जो कंपोनेंट वगैरह होता है कभी कभी हमारा से मिसिंग हो जाता है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जो कि छोटे कंपोनेंट मिसिंग होने के बाद हमारा वहाँ पे ध्यान नहीं जाता है। तो एक बार हम इस मदरबोर्ड के चारों ओर देख लेंगे, क्योंकि जाली तो हमने निकाले नहीं, पहले ही निकला हुआ है। तो एक बार हम पूरे सेक्शन को चेक करके देख लेते कि कोई कंपोनेंट वगैरह मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, तो इस जैसे मैं देख लिया तो इसमें कोई कंपोनेंट वगैरह मिसिंग नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट डैमेज हुआ है सीपीयू के सेक्शन में, तो उसमें कोई हमारा दिक्कत नहीं है, जो कि वो ग्राउंड पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम एलसीडी कनेक्टर के पास आ चुके हैं। मैं यहाँ पे मल्टीमीटर भी आपको शो करा के दिखा दूंगा, तो फिर आपको समझने में भी आसानी होगा। थोड़ा मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर लिया हूँ, देख सकते हो, क्योंकि देख जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको पूरे क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में एक लाइक कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल से आप जुड़े रहना। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, देख सकते हो बोर्नियो का जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैंने स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है, और इसका जितने भी पॉइंट है देख सकते हो मैं बारी बारी से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो हमें कौन सा लाइन मिसिंग मिल रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा 1.8 वोल्ट के बाजू वाला जो लाइन है, ठीक है,
वहाँ पे देख सकते हो जो जहाँ पे जीआर आ रहा है ना, जो 1.8 वोल्ट का जो लाइन है उसमें जीआर सही से आ रहा है, लेकिन उसके बाजू वाला जो लाइन है वहाँ पे जो जीआर हमें मिल रहा है वहाँ पे फ्लैक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो बाकी, और ये वाला जो पॉइंट है देख सकते हो इसमें कुछ भी जीआर नहीं आ रहा है, ठीक। तो बाकी भी हम चेक कर लेते हैं, देख सकते हो बाकी तो सारे में हमें जीआर लगभग मिल गया है, लेकिन वहाँ पे हमारा एक जो मौसी की जो लाइन है, एमओ एसआई का जो लाइन है, वो हमें वहाँ पे कुछ जीआर वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक बार चेक, हमें देखेंगे उसमें जो लाइन है हमारा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, जो सीपीयू से आकर जो हमारा जो एनसी रजिस्टर है वहाँ पे कुछ रजिस्टर लगा हुआ है, तो उसमें हमें कुछ लाइन ब्रेक तो नहीं है, कहाँ से लाइन ब्रेक है उसको हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोसिस कर रहे हैं और इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख सकते हो वहाँ पे एमआई जो हमारा मोसी लाइन है वहाँ पे उसमें हमें कुछ भी जीआर देखने के लिए नहीं मिल रहा फ्रेंड, ठीक। आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह लगे तो नीचे कमेंट पे लिख देना, या तो फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देना, तो मैं आपको थोड़ा सा भले लेट होगा लेकिन मैंने जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है मैंने सब लोगों को मैंने रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो अभी जो हमारा लाइन है जो है वो हमारा डायरेक्टली जो सीपीयू से ही वो लाइन है और सीपीयू से ही हमारा लाइन ब्रेक है, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से क्या करेंगे, जो हमारा ये सीपीयू है उसको अच्छे से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम सीपीयू को निकालेंगे और इसको रिवॉल्विंग करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कभी कभी क्या होता है इस कंडीशन में हमारा सीपीयू भी फॉल्ट भी हो जाता है, सीपीयू लाइन शॉर्ट हो जाता है या तो फिर उस लाइन ब्रेक हो जाता है। तो 99% ऐसा रहता है कि अगर हम सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं तो हमारा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। करके रखा है तो चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को।
तो फ्रेंड देख सकते हो हमारा लगभग सीपीयू को हमने रिवॉल्विंग करके उसमें इंस्टॉल कर दिया है। जो हमारा एक्सटेंशन उसमें नहीं था तो हमने यूनिवर्सल एक्सटेंशन से हमने उस पर रिवॉल्विंग किया है। तो अभी थोड़ा उसमें पेस्ट वगैरह लगा हुआ है तो उसको हम क्लीन कर देते हैं। और बोर्ड थोड़ा हीट है क्योंकि उसमें सीपीयू अभी इंस्टॉल किया है तो बोर्ड हीट है। आप जब भी सीपीयू का कोई भी आईसी का काम करो, मदरबोर्ड के ऊपर अगर आप एसएमडी का वर्क करते हो तो उस बोर्ड को पहले कूल कर लेना एकदम। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा उसको ठंडा करो फिर हैंडसेट को ऑन करके देखो। लगभग आप काफ़ी हद तक के उसको अगर कूल करके ऑन करोगे तो आपको प्रॉब्लम कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मदरबोर्ड हमारा कूल हो चुका है। अभी हम फिक्स करके देखते हैं कि हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि सीपीयू उसमें रिवॉल्व किया है। काफ़ी सारे भाई डरते हैं कि ओप्पो वीवो रियलमी में कभी कभी ब्रेन डैमेज होते हैं, सीपीयू इसमें कौन से ही कंपनी भलता कंपनी का इसमें सीपीयू लगा हुआ है। तो ये इस टाइप से जो सीपीयू होता है ना, काफ़ी सारे हमें डैमेज होने के लिए देखने के लिए मिलता है अगर उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सेफ्टी से काम किया है, फिर भी देखेंगे कि हमारा कुछ प्रॉब्लम इसमें आया है या हमारा जो फ़ोन है वो 100% रिकवर हुआ है कि नहीं। ठीक, वीडियो आप अगर कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल हमारा सब्सक्राइबर काफ़ी कम हो रहा है, काफ़ी सारे भाई वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते वीडियो को, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हो फ़ोन हमारा सेकंड बूट पे आ चुका है, देख सकते हो कम्प्लीटली हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है, कोई दिक्कत हमें नहीं आया, एक ही बार में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टच का जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो चुका है, जो हमारा टच है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you so much. Thanks for watching.